नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने लेखपाल 2022 की जो आज की तारीख यानी 31 जुलाई 2022 को जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसकी सबसे ऑथेंटिक आंसर की के साथ। इस आंसर की को बाकायदे गूगल या और अन्य ऑथेंटिक सोर्सों को सहायता लेकर इसको हल किया गया है। 100 के 100 सभी प्रश्न इसमें हल किए गए हैं और इस पर पूर्णतः विश्वास करके आप अपने उत्तर को मिला सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं कितने स्कोर लगभग आपके बन रहे हैं। हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपका हिंदी सेक्शन इस पर इसमें है। हमने क्वेश्चंस और आंसर को जो है डिस्कस किया है इसमें, क्योंकि सेट का हमें आइडिया नहीं कि आपका कौन सा सेट है या कैसा है, तो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, आप इससे मिला सकते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा जो यह प्रश्न पत्र है इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद के आधार पर देखेंगे पहला क्या है। पहला प्रश्न है मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को सफलता की कुंजी कहा है, दो सी ऑप्शन सही हो जाता है दूसरे का। तीसरे में हो जाता है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, ये सी तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में आप देखेंगे तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य मार्ग के चलने के आनंद में ही जीवन की सार्थकता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद या हर्ष, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। सातवां प्रश्न है अपना पराया किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा बाकायदे अपना पराया, जिसमें जो है पहली बात तो डैश का प्रयोग हो या फिर दोनों शब्दों में जो है पूर्व पद और जो पाश्चात्य पद है उत्तर पद है दोनों में विरोधाभास हो ऐसा चीज़, तो वो द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इनमें से सही संधि विच्छेद है सी ऑप्शन वीर धन आंगना, वीरांगना जिसको बोलते हैं। नौवां प्रश्न है कब्र में पैर लटकाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। दसवां प्रश्न है निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है, सलाका का तद्भव रूप बी ऑप्शन सही हो जाएगा सलाई, सलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि, तो लालायित इसमें सही है, बाकी तीनों जो इसकी वर्तनी गलत है आप देखेंगे तो। बारहवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी, निम्न में से कौन से शुद्ध, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से बताइए कौन से विकल्प में उन शब्दों का जिक्र है जो सभी शुद्ध हैं, तो इसमें तीसरा विस्मरण और हितैषी दो ही शब्द शुद्ध हैं, ये आपका सी ऑप्शन मिलता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेरहवें में आपका निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यामा, भिक्षा, योजना, संबल, संबल आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये से सभी स्त्रीलिंग है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा तेरहवें में। चौदहवां प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो बी ऑप्शन में कृपण दाता, ये सही विलोम युग्म है, कृपण मतलब जिसको दिया जाए, दाता मतलब जो देने वाला है, तो ये सही विलोम युग्म है। पंद्रहवां प्रश्न है जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है, जीवन पति का जो पर्यायवाची समानार्थी है वो यमराज है, यमराज को जीवन पति भी कहा जाता है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक पद है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा अतीन्द्रिय। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द बताना है, विवाह इसमें पुल्लिंग है, शेष सभी स्त्रीलिंग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखा का बहुवचन पंखे होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, सी ऑप्शन दु धन शासन, दु के बाद दो बिंदी दु धन शासन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें का सी। 20वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 20वां प्रश्न निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, तो अक्षर तत्सम शब्द है, शेष तीनों तद्भव शब्द हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है बीस का। 21 का निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सजा हुई है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ही वाक्य अशुद्ध हैं, चारों ही वाक्य आप देखेंगे, उसे मृत्युदंड की सजा हुई है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये भी अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसे होना चाहिए, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार चारों ही ऑप्शन गलत, चारों ही मतलब जो दिए हैं स्टेटमेंट ये गलत हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ही कथन गलत है।
22वां प्रश्न खग जाने खग की ही भाषा, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, इसका अर्थ ये होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरि मोहन को रुपए देता है रेखांकित में से कौन सा कारक है, इसमें संप्रदान कारक है। आप देखो इसमें संप्रदान कारक में देखो तो को और के लिए प्रयोग होता है, इसमें हरि मोहन को रुपए दे रहा है तो संप्रदान कारक हो गया। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द प्रातःकालीन सूर्य या फिर सिंदूर भी होता है। अरुण आप देखते हैं जब प्रातःकालीन सूर्य उगता है तो लालिमा पूरी छाई रहती है, तो वो सिंदूर का रंग भी होता है, इसलिए इसका अनेकार्थी शब्द सिंदूर भी होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में शुद्धि है, तो अनेकों लोग, अनेक स्वयं में बहुवचन है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, तो अनेकों लोग यानी सी ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा, सी ऑप्शन में अशुद्धि है। 26वां प्रश्न देखा जाए, 18 × 15 / 3 × 9 बॉडमास या कोका भाग जोग का नियम अगर आप लगाएंगे इसमें देखेंगे तो सबसे पहले भाग होगा 15/3 5 हो जाएगा, फिर 5 × 9 45 × 18 63 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है इसका उत्तर। 27वां प्रश्न, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। 15 संख्याओं का माध्य 30 है और हर संख्या में 3 जोड़ा ही जा रहा है, यानी माध्य में भी 3 जोड़ देंगे तब भी आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 33 इसका नया माध्य होगा। 2 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक क्या है या मोड क्या है, ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार प्रयोग में हुआ ही हो, तो आप जब इसको देखेंगे 3 4 बार प्रयोग किया गया है और जो 4 है आपका 3 बार प्रयोग किया गया है, तो इस सबसे ज़्यादा बार 3 प्रयोग किया गया है, तो ए ऑप्शन यानी सी सही, ए ऑप्शन यानी 3 सही हो जाता है। जो सही विकल्प हैं आंसर की के अनुसार उनको पीले रंग से रंगा गया है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। 29वां है, 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसको आपको घटते से बढ़ते क्रम में ऑर्गेनाइज कर लेना है, तो इस प्रकार हो जाएगा 10 12 12 13 14 15 21 और मध्य का जो पद है वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखेंगे 3 दाहिनी तरफ 3 बाएं तरफ तो 13 आपका माध्यिका हो जाएगा, 13 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका 13 है सही हो जाता है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएँ समान हैं, जब एक भुजा 18 है सेंटीमीटर तो उसका दोनों भुजाएँ भी 18 होंगी, तो 18 × 3 कर दीजिए, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 18 × 54 ए ऑप्शन सही हो जाता है। 31वां सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 12 × 11 आप कर देंगे तो 132 आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो संचयी बारंबारता दी गई है आपकी, देखेंगे इसमें तो 10 से 12 वर्ग में 3, 13 से 15 वर्ग में 8, 16 से 18 वर्ग में 15, 19 से 21 वर्ग में 25, 22 से 24 वर्ग में 23 संचयी बारंबारता दी गई, आपको बारंबारता निकालना है तो उसके अगले संचयी बारंबारता से पिछली संचयी बारंबारता का अगर आप अंतर निकाल लेंगे तो उसकी बारंबारता आ जाएगी। जैसे देखिए इसमें 8 है तो 8 यानी 3 था फिर 8 हो गया, यानी इसकी बारंबारता 5 है, इसकी बारंबारता 15 में से 8 घटाएंगे 7 है, इसकी बारंबारता 25 में से 15 घटाएंगे 10 है, इसकी बारंबारता 33 में से 25 घटाएंगे 8 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 19 से 21 जो वर्ग है ये वाला वर्ग है, इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, हाँ तो 19 से 21 वर्ग, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। 23वां प्रश्न है, 22 से 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो 22 से 40 के गुणनखंड आप करेंगे तो जो गुणनखंड सबका योग करेंगे तो 6096 आएगा, 33वां प्रश्न हो गया। 34वां प्रश्न, 34 से 38 तक देखिए ग्राफ पे आधारित प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे 1991-92 से लेकर 1998-99 तक कुछ कंपनी, एक कंपनी है उसी कमाई को दिखाता है उतने मिलियन रुपए में, इससे आधारित आपको प्रश्न को करना है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक का है अनुपात बताइए, तो जब पहले औसत आप निकालेंगे सबका तो 3480 मिलियन रुपए आपका औसत आ जाएगा, तो देख लीजिए कितनी बार कितने वर्ष कंपनी ने 3480 से कम बार कम मतलब कमाई की है, तो आप देखेंगे 1991-92, 93-94, 94-95, 95-96 और 98-99 यानी 5 साल ऐसे रहे जिसमें 3480 जो कि औसत आय है उससे कम कमाई की है, और शेष क्या 3 वर्ष ऐसे हैं, देखो 1992-93
96, 97, 97, 98 तीन वर्ष ऐसे रहे हैं जिनमें औसत से अधिक कमाई की है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 5:3 यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी, 97-98 में कितनी आय थी आपकी 5040, और दूसरा पूछा है आपका 94-95 से कितनी गुनी थी, 94-95 में है 3360, तो 3360 का डेढ़ गुना होगा 5040 यानी कि डेढ़ गुना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1996-97 कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, 125% थी, 36वां देखा जाए। 37वां 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 100% वृद्धि थी। आप हम देख लेते हैं 97-98 में आय कितनी थी 5040 और 93-94 में 2520, तो 2520 का दो गुना सीधा सीधा हो जाता है 5040 यानी कि 200% जो है उसकी आय हो गई, बढ़ोतरी कितनी हुई 100% बढ़ोतरी हुई, तो ए बी ऑप्शन 100% सही हो जाता है। 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट रही, ए विकल्प सही हो जाएगा 7%। 39वां आप देखेंगे तो एक बारंबारता का प्रश्न है, कक्षा 21 से 25 की बारंबारता घनत्व कितना है, तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको जो क्लास इंटरवल है उससे घटा कर दे, उससे भाग कर देते हैं, यानी यहाँ 20 को भाग करें किससे, 21 और 25 में कितनी जो है क्लास इंटरवल कितने आ रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25 पांच क्लासेस आ रही हैं, तो 20 फ्रिक्वेंसी है, 20 को आप भाग करेंगे 5 से, 4 का उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। हिस्टोग्राम आय चित्र एक प्रकार का होता है, हिस्टोग्राम एक प्रकार का आवृत्ति आरेख है, सी ऑप्शन सही हो जाता है, फ्रिक्वेंसी डायग्राम आवृत्ति आरेख सी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए इसमें इंग्लिश में लगा है, येलो कलर से किया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का या के कितना होता है, उसका आधा होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा उसका होता है, 41वें का सी ऑप्शन। 42वें क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर संपूर्ण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो बी सी का ज्ञात कीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको लग जाएगा, ये सीधी बात, देखें संपूर्ण त्रिभुज है तो आपका आपका कर्ण दिया गया है, लंब कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार नहीं पता है आपको, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्ग आप वर्गमूल निकालेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 83वां है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का मूल क्या है, इसका मूल आपको निकालना है, तो सीधे फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इससे आप निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आपका उत्तर आ जाएगा। 44वां प्रश्न है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उससे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये जो आपका अमित का क्रय मूल्य कितना है, कितने में उसका खरीदा था, क्रय मूल्य निकालने के लिए 70% ऑफ क्रय मूल्य इज इक्वल टू 1820, यानी कि जो क्रय मूल्य है उसका 70% कितना है 1820 है, इस प्रकार हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा, जब क्रय मूल्य निकल आएगा हमारा तो उस क्रय मूल्य को हम 130% क्रय मूल्य का निकालेंगे, यानी कि 30% उसको लाभ होना चाहिए, तो आपका मूल्य आ जाएगा 3380 रुपये, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली है जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली है, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो राहुल का वेतन मान लेते हैं, मैं मोहन का वेतन मान लेते हैं 100 रुपये है, राहुल का वेतन फिर हो जाएगा 120 रुपये, फिर राहुल को अपने वेतन पर 30% का वृद्धि मिली है, तो राहुल का वेतन जब 30% वृद्धि आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 156 रुपये, और मोहन के वेतन पे 40% वृद्धि तो मोहन का वेतन हो जाएगा 140 रुपये, तो अब हम देखेंगे मोहन राहुल का वेतन कितना अधिक है, 156 में से 144 घटाएंगे तो 16 रुपये की अभी भी राहुल का वेतन ज़्यादा है, तो अब मोहन की तुलना में हमें करना है, तो 16/140 × 100 आप करेंगे तो लगभग आपका 11% के करीब आपका उत्तर आ जाएगा, लगभग में पूछा है 11 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन आपको 11% सही मान लेना है। 46वां प्रश्न है, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, आपको पता होगा भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं, जो उत्तर आता है वही होता है। तो तीन दो चार का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा और 8 6 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 12/1 उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब है 12, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। 47वें का उत्तर है, देखिए क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 11 एचसीएफ क्या है, 11 एक कॉमन फैक्टर है, जबकि जो एलसीएम होता है ये आपका यानी कि 11 का जो गुणनखंड है वो दोनों ही संख्याओं में शामिल है, एचसीएफ का अर्थ यही होता है। जबकि लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो आप जब 11 को 13 से गुणा करेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 143, फिर 11 को 17 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो 13 से गुणा कर नहीं पाएगा वो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से पूछा भी गया है, 143 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो इसकी अनुमानित भुजा आपको ज्ञात करना है, इसका उत्तर हो जाएगा 5, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां हो जाएगा, चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर चतुर्भुजों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, रोम्बस का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो रोम्बस का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस यानी कि एक भुजा आप कोई ले लीजिए वो बेस हो जाएगा। भुजा कैसे निकलेगा, 120 सेंटीमीटर उसकी चारों भुजाओं का परिमाप है, यानी कि चारों भुजाएं रोम्बस में बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 120 को 4 से भाग देंगे 30 सेंटीमीटर आपकी एक भुजा आ जाएगी, यानी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। और जो हमारा रोम्बस का एरिया का फार्मूला है वो बेस इंटू हाइट, तो बेस हमको मिल गया, कोई भी एक भुजा को आप बेस मान लीजिए। हाइट क्या है, हाइट भुजा नहीं है, ध्यान देना है, क्योंकि रोम्बस आप देखेंगे तो तिरछा होता है हल्का सा, हाइट क्या होता है 90 डिग्री जो खड़ी होती है, खड़ी 90 डिग्री खड़ी ऊंचाई है उसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट क्या है, हाइट यहाँ बताई गई है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, तो 30 को जब 12 से गुणा करेंगे तो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 30 हो गया, हाइट 12 हो गई, 30 × 12 करेंगे, बी ऑप्शन 360 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उत्तर। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला यह होता है, एक बंद आकृति होती है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। एक बारंबारता त्रिभुज जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होता है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं जीएस के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में 51 से 75 तक। 51 प्रश्न है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, इसमें आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदूषण और खपत में कमी आ जाएगी इससे। 52वां प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई है। तो एवरेस्ट बेस कैंप लगभग 5200 मीटर ऊंचाई पर एवरेस्ट का बेस कैंप स्थापित किया गया है, वहाँ पर भारत की सबसे कम उम्र की जो व्यक्ति हैं वो है रिधम ममानिया, रिधम ममानिया, ये आपका बी ऑप्शन सही जाता है। 53वां प्रश्न है आपका, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी, तो चीन ने इसकी अध्यक्षता की है, चीन के विदेश मंत्री थे वांग यी, इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, और देश पूछा जाए तो चीन, ये ऑप्शन सही रहता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसके पश्चात ही सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था, ये ऑप्शन सही रहता है। 55वां प्रश्न, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, जो हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया सैन्य मतलब सहायता से मिलिट्री एक्शन से, उसको ऑपरेशन पोलो कहा गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। 56वां का हो जाएगा, सी ऑप्शन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, सिक्किम में। EFT का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 58वां है, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है, ये कनाडा का एक द्वीप है बफिन द्वीप, आप मैप में इसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ये जो होता है अनुच्छेद 19(1) में है, तो ये आपका ए हो जाएगा 59 का आंसर। 60 आपका प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया, रोलिंग प्लान क्या था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है।
61वां प्रश्न है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व नीति निदेशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक लेकर आपका ये नीति निदेशक तत्व यानी कि, और ये भाग चार में शामिल होते हैं, भाग चार में आता है संविधान के। अगर अनुच्छेद पूछा गया तो आपका ए ऑप्शन 36 से 51 सही माना जाएगा, जो पीला किया हुआ है। जो सही उत्तर है हमारी आंसर की के अनुसार उसको हमने पीले रंग से हाईलाइट किया है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया था। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, दांडी यात्रा उसका नाम था लेकिन शुरू साबरमती से हुई थी वो। सी ऑप्शन सही हो जाता है। 65वां प्रश्न, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि संबंधी क्षेत्र भी कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाता है। 67वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है लेकिन दिल्ली एक राज्य नहीं है, इसलिए नौ आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, 8 ही सही माना जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीले से आपका हाईलाइट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्धारित है? कृषि पर निर्धारित है मुख्यतः। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ये NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य है ये आपका देखिएगा तो अफ्रीका के महाद्वीप के मोरक्को को और यूरोप महाद्वीप के स्पेन दो देशों के मध्य ये है जो आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आप मानचित्र देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। 72वां प्रश्न, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के सहायक रूप में जाना जाता है? वाराणसी को जाना जाता है। 73वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? लखनऊ में। 74वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर आपका स्थापित है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। तो जब आप एक को बी से और दो को सी से मिलाएंगे तो सीधे सीधे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, BCDA ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोलकर। आप जो आपके जो कंप्यूटर वायरस आता है अक्सर ईमेल के साथ वो अटैच एक मेलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, जब ईमेल अटैचमेंट आप खोलेंगे तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इससे कंप्यूटर वायरस का भी पता लगा सकते हैं। अब जहाँ से 76 से लेकर 100 तक ग्रामीण विकास के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं इनका भी हम क्रमवार देखेंगे। जो पीले रंग से हाईलाइट किया गया है वो आपका सही उत्तर है, हम वहाँ पर डिस्कस करते भी चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ए ऑप्शन प्रधानमंत्री PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जिसको फुल फॉर्म करेंगे। अगर आपको फुल फॉर्म पता रहा होगा तो ए ऑप्शन आप तब भी टिक कर सकते हैं। 77वें प्रश्न का उत्तर है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.7 करोड़ महिलाओं को वीमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल के माध्यम से उनको सशक्त किया गया है, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया गया है। लगभग 7.7 करोड़ महिलाओं को अगर आंकड़ा आप देखें तो ये किस मिशन के तहत? सी ऑप्शन सही रहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है 78वां, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों? नरेगा जिसको आप बोलते हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मान लीजिए इससे कन्फ्यूज है तो आप सीधे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये नरेगा स्कीम का ही नाम है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। 69वें में भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं बुजुर्गों विकलांगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसमें भी देखिए जो योजनाओं को दिया है अगर आपका इसका फुल फॉर्म पता रहता है तो आप अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें बी का फुल फॉर्म जो होगा NSAP, इसका होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो समाज के जो विधवाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, विकलांग लोग हो गए, जो सक्षम नहीं है उतने, उनको असिस्टेंस दिया जाता है, सोशल असिस्टेंट। इस प्रोग्राम का नाम है NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। बी ऑप्शन सही जाता है 79वें का 79वें
80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसमें भी वही चीज़ है, लगभग स्कीम जितनी पूछी गई सब में अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ए ऑप्शन जो पूरा लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि भाई लोग क्यों ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तरफ जो युवा प्रवास करते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कौन सी स्कीम है? ए ऑप्शन सही रहता है पूरा। शेष तीनों ऑप्शन जैसे देखेंगे हम, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम विधवा बुजुर्ग और विकलांगों से संबंधित है, ये आपका है जो ये आपका एडोलेसेंट गर्ल से संबंधित है बालिकाओं से, ये आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये रोजगार संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 81 में। 82वां पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 83वां प्रश्न देखेंगे तो निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? उत्तर प्रदेश HMIS, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा तुरंत ऊपर। 84वां है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तर जीविता को सुनिश्चित करना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83वां है, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2020 में। 87, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संवर्धित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अब 88 यानी 88वें क्वेश्चन की बात करें तो भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? FFS आप देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म संबंधित है वो फार्मर फील्ड स्कूल, ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। 89 यानी 89वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना कल्पना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे सब्सिडी युक्त, इससे क्या होगा जो महिलाएं अभी पहले चूल्हे का प्रयोग करती थी या जो है बायोमास का यूज़ करती थी इससे धुआं होता था, अब वहां पर धुआं नहीं होगा, गैस के LPG का प्रयोग होगा। तो धुआं मुक्त भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90वां प्रश्न देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए है? उज्ज्वला योजना है, ये दूसरी योजना है, इसका भी नाम उज्ज्वला है, आपको इसको LPG डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका नाम भी उज्ज्वला योजना है, इसके तहत दुर्व्यापार व्यवसायिक एवं शोषण के पीड़ितों को उसका रोकथाम उसके बचाव और उनके पुनर्वास से संबंधित है। ये 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? उस्ताद योजना, सी ऑप्शन सही हो जाता है। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ट्रेड स्कीम, ये महिलाओं के लिए विशेष कर करके उद्यमशीलता उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। 95वां प्रश्न है, सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 हॉर्स पावर सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? 30% उनको सब्सिडी मिलती है सोलर पंप पे। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन सही हो जाता है। 97वां स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बी ऑप्शन सही होता है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसको पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएँ, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? JSSK यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ए ऑप्शन सही हो जाता है। 99वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। 100वां और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? स्वामित्व योजना, ये हाल ही में करंट में रही है, आपने पढ़ा होगा। ये था हमारा पूरा 1 से लेकर 100 तक चारों सेक्शन को कवर करने वाला लेखपाल परीक्षा 2022 का सबसे बेस्ट सबसे ऑथेंटिकेटेड आंसर की। इससे आप मिला सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अंक बन रहे हैं, और हम मंगल कामनाएं देते हैं कि शायद आपका पेपर अच्छा हुआ हो और अब आप सिलेक्शन लें और जल्दी से आप बढ़िया रोजगार की बेरोजगारी के दौर से बाहर आएँ और आगे का प्रयास जारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।